लिए कसम से, इधर 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 जल्दी जल्दी। शाबाश, लॉक क्यों डर रही है इतनी? मेरा हाथ अंदर गया ना, मियां ने पकड़ लिया तो बीवी भी उसको बचाने के लिए आ जाएगी। जल्दी कर यार, ये जोर लगा रही है। फिक्स सुराख के आगे लगाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अंदर व्लॉग। काफी दिनों से आप लोगों को कह था कि वहाँ पर किसी चीज के बच्चे हैं, किसी जंगली चीज के बच्चे हैं, जो शिजाद अमाद फरियाद लोग बताते हैं। तो मैं कह रहा था इनको साथ लेके जाता, ये लोग आते नहीं थे। शिजाद फरियाद अमाद लोग आ जाएंगे, कल जाएंगे। तो मैंने कहा यार वो मर जाएंगे, तीन चार दिन हो गए इस चीज को, मर जाएंगे। मैंने ना फिर तलाल को और मूर को बुलाया, ये लोग आए हैं, और इनको मैंने कहा कि यार आओ, आपका भी कंटेंट भी बन जाएगा और चीज़ भी रेस्क्यू हो जाएगी, असल दोनों बातें हो जाएगी हमारे लिए। तो ये फिर जल्दी जल्दी से आ गए, और सबसे बड़ी अकलमंदी की बात जो उन्होंने किया ना, ये लोग नेट लेकर आए हैं। मेरे जहन में नहीं था नेट ले आने का, नेट ले आए हैं, और साथ एक और क्या की चीज़ आयो, पिंजरा। तो यार मसला एक है, अगर आप लोग पिंजरा लाए, अगर जो बड़ी कोई चीज हुई, मतलब कोई बड़ा गीदड़ हुआ, जैकेट में डाल नहीं, जैकेट में डालने होती यार, ग्लॉक को फिलहाल नहीं लेके जाते, ग्लॉक उसको मार देगी। अगर कोई बाद में जरूरत पड़ी तो फिर ग्लॉक को ले जाएंगे, रस्सी से काम नहीं चलेगा, अगर बड़ी चीज तो रस्सी से बांध लेंगे ना। हाँ ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। रस्सी से, ये हमारे पास केज है और नेट है, रस्सी है, जैकेट है, तो चलते हैं वहाँ पर, जो भी एनिमल है उसको रेस्क्यू करते हैं। ये डब्ल्यू का अग्रेशन में दिखाता हूँ, करीब जा रहा हूँ, ये देखना भाग के आएगी। ये देखिए, बस 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 बस, इतना अग्रेशन है इसका। आ रहा है यार, मुझे तो डर लग रहा है, अंदर चेक करते हैं कुछ है कि नहीं। और सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये हो गया कि लोमड़ी की जो घारे थी वो इन्होंने बंद कर दी हैं। यहाँ पर जो ये साथ ही ना घर है, तो इनकी इन्होंने कहीं क्या खाया, मुर्गी को खाया है, किसको खाया है, इनकी मुर्गियों को ना लोमड़ी ने कहीं पकड़ा है और वो अपने घर में ले गई है। यहाँ पर इनको पर वगैरह नजर आए, कैमरा अंदर लेकर चल रहा, घर चेक कर, कितनी लंबी है यार, मुझे तो छोटी सी लग रही है, वैसे बहुत लंबी है, मैंने भी चेक की है और डर डर भी लग रहा है, यहाँ से चढ़ने भी तो नहीं होगा, जगह भी तो अजीब सी है। बचाई तलाल, चल ध्यान से, कोई चीज ना निकल आए, वही ना ध्यान से, वही इधर इधर कसम से, इधर इधर तलाल, इधर जल्दी जल्दी जल्दी, कुछ है जल्दी, इधर 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 जल्दी है तलालों पर, ये देख तलाल, ये देख पर पड़े हुए हैं, ये नजर आए यार, हाँ डाल रहा हूँ, ये ना अंदर से कोई चीज आ जाए, ध्यान से यार, गलती की, डेरे सामने बड़ी लाइट उठा लानी थी, गलती की है बहुत ज्यादा, ये देख सामने पर अंदर इसका मतलब वो पड़ी हुई है, वो ये देखिए सब ये पर पड़े हैं, ये कुछ है अंदर, अभी भी कुछ है, लेकिन घर अंदर से बहुत बड़ी है, बाहर से छोटी लग रही थी, बहुत बड़ी है यार, अंदर से कोई निकल भी सकता है, और एक और बात दी तलाल, अंदर से बड़ी अजीब सी स्मेल भी आ रही है यार, वो सामने पर भी पड़े हैं भाई, ध्यान से, पता नहीं अंदर बहुत अजीब स्मेल है। तो यहाँ पर एक सुराख इन्होंने ये बंद कर दिया और दूसरे सुराख को ना यहाँ से इन्होंने बाहर से मिट्टी लगा दी है। या तो ये ऐसे हो सकता है कि माँ थी, बाप था, बच्चे थे, जो भी थी, उन्हें एक्सपायर हो गया, उनकी स्मेल आ रही है, या तो उधर मुर्गी की स्मेल आ रही है। देखें एक पर ये पड़ा हुआ है, एक पर ये पीछे पड़ा हुआ है, ये तो यहाँ पर कन्फर्म इसने मुर्गियाँ मारी हैं। ओ यार, कुछ दिन पहले यहीं का एक लड़का हमारे डेरे पे गया था, कहता था हमारी मुर्गी घुमी हुई है, बारिश वाला दिन था, वो इन्हीं के घर से गया, वो था वो जो मुर्गी हमारे डेरे पे ढूंढ रहे थे, वो असल हमारे डेरे पे नहीं आई थी, वो इधर से लोमड़ी ने पकड़ के खा ली है। तो अंदर है भी भाई, अब यार रेस्क्यू तो कर रहे हैं तलाल, अगर हम पेट लवर हैं तो हमें क्यों मोर भाई पड़ेगा, अम्मी को मार दिया, अबू बेचारा है नहीं, बेचारे बच्चे ही होंगे, बच्चे को उनको फीडिंग कौन कराएगा, कर लेंगे यार, मैं क्या कर लेंगे, नहीं हम तो कर लेंगे, जो बच्चे अंदर फंसे नहीं उनको कौन फीडिंग कराएगा, और क्या पता फीडिंग मूर तुम मिलके बंद करें, और शायद हो सकता है बच्चे मार गए हों, क्योंकि उनमें इतनी इम्यून सिस्टम उनका इतना हाई नहीं होता कि वो कंट्रोल कर सकें, क्या फिर भी हम जहाँ तक कर सके इंशाल्लाह हम करेंगे, अगर हमें ये तोड़ना भी पड़ा हम रेस्क्यू करेंगे अंदर, अगर हमें मिल गए एक दफा सिर्फ पता लग गया। यार चेक करो टॉर्च लाइट ऑन करो, मोबाइल को दोबारा से चेक करो ना, आप फिलहाल अंदर से चेक कर रहे हैं, लेकिन अंदर ना करीब नहीं जाने हो रहा, बड़ी स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा अजीब सी स्मेल आ रही है। तो यार वहाँ पे फॉक्स मिल नहीं रही थी, तो हम अभी ना ग्लॉक लेने के लिए आए हैं, क्योंकि ग्लॉक हमें साइन देती है, बार्क करती है, उस सुराख में जोर लगाती है जिस सुराख में कोई चीज़ हो, शिकार हो, तो इसके थ्रू ना हम बड़ी आसानी से या तो फॉक्स तक या तो फॉक्स के बेबी तक बड़ी आसानी से पहुँच जाएंगे। अभी मैं ग्लॉक को खोल के लेके जाता हूँ, ग्लॉक चले भाई, ग्लॉक का पट्टा सिलाई होके आ गया, बस उसको तेल लगाना और इसको लगा देना है, पट्टा पहना देना है। ग्लॉक को लेकर वहीं पर पहुंच गए जहां पर फॉक्स है, और इतनी ज़्यादा अग्रेसिव हो रही, इतना जोर लगा रही है, इतना जोर लगा रही है ना कि संभाली नहीं जा रही, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि कन्फर्म यहां पर तलाल कांटे फंस गए कपड़ों के साथ।
ग्लॉक आते साथ यहाँ पर स्मेल करने लगी है, मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई चीज है। तलाल अगर ना ग्लॉक बीच में चली गई ना, हमें ये ईंटे वगैरह हटानी पड़ेंगी क्योंकि ये जगह छोटी हो गई है और ये ग्लॉक जा नहीं सकती बीच में। ये ना फॉक्स अंदर इसी को पकड़ ले फिर। नहीं फॉक्स इसको नहीं पकड़ती, ये फॉक्स को पकड़ लेगी, लेकिन ये डर के बाहर तो आएगी ना, पता चलेगा हमें कन्फर्म करने अंदर है या नहीं, अगर नहीं है तो हम फिर कहीं और ढूंढे। फाइनली ग्लॉक अंदर जा रही है तो ये जो ईंटे आगे से रास्ता बंद हुआ है ना, ये ईंटे मैं हटा दूंगा और ग्लॉक का पट्टा उतार लूंगा क्योंकि ये अक्सर बीच में जाके फंस जाता है। ईंटे बड़ी पक्की लगाई है इन्होंने यार। हट ग्लॉक, एक मिनट रास्ता खोल दे तू, हट जा पीछे। शबा शबाश, गुड 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 गुड। अचानक इतनी सख्त अंदर से डर के आई है, मेरे ख्याल में वही तेरा वाला सीन हुआ जब मक्खी आई थी, तू डर के इसके ऊपर मक्खी आई है। शबाश शबाश, ग्लॉक क्यों डर रही है इतनी, ग्लॉक अंदर से डर के बाहर आ रही है यार। फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा कि ग्लॉक अंदर से डर रही है, हालांकि ग्लॉक तो सुराख में खुद ब खुद जाती है। बड़ी है भाई, अंदर कुछ ना कुछ है जिस वजह से ये भी डर रही है, कुछ ना कुछ है क्योंकि अंदर मुर्गी भी है भाई और ये ग्लॉक भी डर रही है। मेरे ख्याल में तो अंदर स्मेल इतनी गंदी है जिसकी वजह से लोग जा नहीं रहे। ग्लॉक तकरीबन ना हाफ अंदर जा चुकी है लेकिन अभी बहुत ज्यादा डर रही है यार, जगह कम पड़ गई है, ग्लॉक जैसे गुजर नहीं पा रही तो ईंटे पत्थर ना आगे से हटा रहे हैं हम ताकि ग्लॉक के लिए रास्ता। तलाल जल्दी आ, ये देख ये तो दो सुराख है, ये क्या चक्कर है यार, एक मियाँ एक बीवी एक तरफ। बिल्कुल ऐसे हो सकता है, एक तरफ मियाँ एक तरफ बीवी, और अगर मेरा हाथ अंदर गया ना मियाँ ने पकड़ लिया तो बीवी भी उसको बचाने के लिए आ जाएगी। ध्यान करे रुमाल कसम से, डर लग रहा है किया यहाँ पे, बहुत खतरा लग रहा है। आने दे, लॉक लॉक चलो आने यार, खड़े होने की जगह नहीं है सबसे बड़ा मसला ये। शाबाश ग्लॉक, शाबाश, नहीं है तलाल खाली है, ये सबसे बड़ा साइन है, अगर डॉग सुराख से वापस आ जाए ना वैसे समझो कि सुराख खाली है, कुछ भी नहीं यहाँ पे, या तो मर गए स्मेल उसी की आ रही है फिर, या तो फिर भाग गए। अबे देखे इतना ज्यादा डॉगी आते हैं लेकिन जब ये ग्लॉक जाती है ना तो सारे डर जाते हैं, अब ये गई है अब ये भागेंगे सारे। भाई वो लोग दूर दूर से आवाजें दे रहे कि ना करो, आज रुमान वापस आ जाए, इसको पकड़े भाग ना जाए उनके पीछे। ग्लॉक ग्लॉक यहाँ पे देखो क्या हो गया यार, किसी के जंगली कुत्ते, वो तीन तीन आ गए भाई, वो चार, ये रुमान कुत्ते ज्यादा होते जा रहे हैं, वो ये लड़ पड़ेंगे ये, वो किसी का काला डॉगी आ गया यार। ओ डर गई, ओ डर गई, ओ डर गई, ओ डर गई, डर गई, डर गई, भाग गया, ले चल रुमान इसको, ओ डर गया, ओ उसने तो छोड़ ही दिया, मूरी पागल तो नहीं है, उसने लॉक नहीं छोड़ दिया यार, रुमान भाई ने टेम किया वापस आ जा। जब स्ट्रीट डॉग पीछे लगे ना, स्ट्रीट डॉग के पीछे लगने के बाद ग्लॉक बहुत जोर से भागी है, पकड़ी हुई है अंदर कोई चीज है, वो देख वो आगे स्ट्रीट डॉग, फिर इनको मारना पड़ेगा, मुंह जल्दी इनको यार, मारना नहीं है किसी को, मारना नहीं है। फिलहाल अंदर जाने के बहुत ज्यादा जोर लगा रही है, जल्दी कर तलाल, इधर कोई चीज है यार, किधर है, लूमड़ है, कोई चीज है, जल्दी कर, ऊपर से बहुत ज्यादा जोर लगा रही है, मुझे ही ना पकड़ना, तुझे नहीं पकड़ा, जल्दी यार, गया ही है, गया वो, फिर गया, नेट लेके आए थे जाओ तुम लोग, जल्दी कर यार, ये जोर लगा रही है, इसको मैं की करके साथ बांध, तो रुक जा इधर आने, ओ गई होगी यार। ग्लॉक 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 सीधी होना, बस कर ग्लॉक, बस कर ग्लॉक, ओ ग्लॉक जल्दी कर, मुर नेट लगाओ, जल्दी करो, बस बस बस, बांध बांध, जल्दी जल्दी जल्दी। ग्लॉक यार देखें, जब से भाग के आई है ना सुराख में जोर देना शुरू किया, उसकी हालत ये हो गई है, मेरे ख्याल में कंफर्म सुराख में वो चीज है, और ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तलाल ने अकलमंदी का काम किया, नेट लेके आ गया, मेरे पास तो नेट नहीं है, ये किस चीज का नेट है यार, ये काट के भाग, नहीं नहीं है, मजबूत है, लेकिन इसकी चौड़ाई थोड़ी कम है, तुम्हारे ख्याल करना पड़ेगा, फिक्स सुराख के आगे लगाना पड़ेगा, बस पक्का लगाना है, सही करके तलाल पकड़ यार, सही करके लगा, अंदर आने दो, अंदर आने दो, पता ही क्या अभी ग्लॉक लाते हैं पास, ग्लॉक जाएगी ना, जब अंदर जो चीज अंदर होगी वो डरेगी ना, वो बाहर आएगी, तो फिर ना ये इसमें फंस जाएगी, ये ख्याल करना, ये ना ग्लॉक फंस जाए, नहीं नहीं ग्लॉक नहीं फंसेगी, ये फंसा लेंगे, ये काट, ये ग्लॉक को काटेगी तो नहीं ना, ऐसी रस्सी तो नहीं है ना, ये देखो हाथ भी नहीं काटेगी, बस ठीक है, ये ना हमारी ग्लॉक जख्मी हो जाए, इससे कुछ नहीं होगा।
ओए मुर मुर जल्दी कर जैकेट ला मुर जैकेट ला पीछे जैकेट ला पकड़िए जल्दी ला जैकेट बैंक पकड़ यार काट चुकी ओ यार पीछे कर जैकेट ला पीछे कर ओ आ गया जैकेट पकड़ लिया पीछे ले जा अभी तक नहीं पता मेरा कैमरा पकड़ ध्यान से अंदर डाल इसको यार आराम से मुर को पीछे पीछे रखी शुक्र है मूर ने ग्लॉक को पकड़ लिया। मुझे ऐसे लग रहा था मूर से ग्लॉक काबू नहीं होगी और ये बहुत ज्यादा डर भी रहा है और अग्रेसिव भी हो रहा है, करीब नहीं आने दे रहा यार। मेरे ख्याल में इसके अंदर और होंगे, चेक करें और हो सकते हैं, लेकिन पीछे करके रख फिर अंदर कुछ है किधर है वो, अंदर कुछ छिल रहा है और अंदर कुछ है ग्लॉक अंदर वो ग्लॉक है ये वो पकड़े पीछे कर और फिर छूट यार क्या कर रहा है यार बहुत जोर लगा रहा है। नहीं छोड़ इसको अंदर जाने दे गई है वो सीधी अंदर की है। ओ यार ये तो फिर इधर जा रही है। शाबाश ग्लॉक यार इधर और भी होंगे खैनी हल्का कर जाने दे। शाबाश ग्लॉक गई है और है। शाबाश ग्लॉक यार नहीं और नहीं पकड़ने होगा ये ना डायरेक्ट इसके ऊपर जा रही है। देखो वहाँ पे घर चलते रुमान मान ले मेरी यार ये चीज आ गई बहुत है। ग्लॉक का मरने की हालत हुई है। जबान देखो किधर निकाल के आ गई है यार, इतना जोर लगा रही है। जुलम है यार, डॉक्स के साथ जुलम है ये यार। मुझे तो इसको खींच के क्या करें, एक बार लास्ट ट्राई करते हैं। तलाल चलते हैं यार, कुत्ते बहुत ज्यादा रास्ते में अंधेरा हो जाएगा ऐसी यार। लास्ट ट्राई सिर्फ ये निकल जाएगा जो आया है। सिर्फ लास्ट ट्राई, सिर्फ एक ट्राई आने दे यार। पता ही क्या और बचे हुए तो वो रेस्क्यू हो सकते हैं ना। आने दे मुर, आने दे ग्लॉक। शाबाश नहीं सीधी मेरे ऊपर। शाबाश ग्लॉक अंदर जाना, ग्लॉक और निकाल यार। मेरे ख्याल में नहीं है, अगर और होते तलाल जाती है उधर। अगर एक निकाल के लाई और भी निकाल के लाती। चलो नेट वगैरह उठाओ और निकले। चलो वहां पर फिर स्ट्रीट डॉग्स आ गए। अगला फिर उन्हीं पर जोर लगाई जा रही है। ग्लॉक आ जाए यार, ना तंग कर प्लीज बचे। ग्लॉक की हालत बहुत बुरी होगी। जबान देखे ना ग्लॉक की, शिकार ढूंढ के ना काफी देर हमने वीडियो बनाई नहीं है। काफी सुराखों में हम ढूंढते रहे। जिस सुराख में ग्लॉक फाइनली गई थी और घुस गई थी, जोर लगा रही थी, वहां पर जाके फिर हमने वीडियो शूट किया, नहीं तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता। तलाल तकरीबन हम 1 बजे के आए हुए और टाइम क्या हो रहा है ये देखे, 6:08। मैं आगे इसको लेके चलता हूँ, आप लोग उसको लेके आओ। बहुत मुश्किल से इसको मैं लेके जा रहा हूँ। और ये वाले स्ट्रीट डॉग्स देखे ना, ये भाग भाग के इनके ऊपर आ रहे हैं। ये देखे अग्रेसिव कितना हो रहा है, ये देखें। फिलहाल को मैंने वहाँ से भेज दिया ओके, इसको लेके जाओ। मैं ग्लॉक को लेकर ना दूसरे रास्ते से जाऊँगा, ये तो वहाँ से नहीं जाएगी। बहुत ज़्यादा जोर लगा रही है, इतनी हिम्मत हमारे अंदर नहीं है कि इसके साथ हम भागते रहें। और वहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स की टेंशन नहीं है, ग्लॉक फिर भी बर्दाश्त कर लेती है, उन पर अग्रेसिव होकर उनको डरा देगी। लेकिन उसके साथ लेके चलना बड़ा मुश्किल काम था। ये देखे सारे आ गए। तो यार अभी मसला ये बन गया, तलाल कह रहा है कि मैं लेके जाता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं रखता हूँ, मैं इसको रेस्क्यू कर दूंगा, मैं बड़ा करूंगा। असल रेस्क्यू करना सवाब का काम है, हमें सवाब मिलेगा। तो तलाल कहता है कि ये सवाब मैं कमाऊँ, मैं कहता हूँ ये सवाब मैं कमाऊँ। तो यार आप लोगों ने बताना है कि ये तलाल रखे या ये मैं रखूँ। तलाल एक मसला हो जाएगा, तेरी ऑडियंस कहेगी तलाल रखे, रुमान की ऑडियंस कहेगी जिसके कमेंट ज्यादा है भाई वो रखेगा, क्योंकि देखो कितने मेहनत से कुत्ते से मरते मरते बचे हैं। सही बात है, अगर वो डॉग्स आ जाते ना तो हमारी हालत बहुत ज्यादा थे। तो अभी ये फिलहाल तो बड़ा अग्रेसिव हुआ है। बाकी आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि कौन रखे कौन ना रखे। गला वगैरह खुश्क हो रहा है तो अफ्तारी करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।